या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायति संस्था नमस्तस्य 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 नमो नमः। आज से नवरात्र की शुरुआत हो गई है और इस वक्त हम विश्व प्रख्यात देवड़ी मंदिर में मौजूद हैं और उसी देवड़ी मंदिर में जो आप धोनी के नाम से जानते हैं और इस माँ में लोगों की श्रद्धा बसती है। ऐसा माना जाता है कि एक बार सिर्फ माँ के दर्शन भर कर लेने से उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। कल ही कलश स्थापना की गई और उसके बाद आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई है। इस वक्त हम देवड़ी मंदिर में ही मौजूद हैं और जिस तरह से आज से भक्तगणों का यहाँ आना शुरू हो गया है, माना जाता है कि अष्टमी और नवमी में यहाँ पे लाखों की संख्या में भक्तगण उमड़ते हैं और माँ देवड़ी के दर्शन करते हैं। हमारे साथ यहाँ के पुजारी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि किस तरह से माँ में आस्था है और आज से शारदीय नवरात्र है और कितनी श्रद्धा है यहाँ के लोगों में, क्योंकि धोनी जब भी आते हैं, रांची के राजकुमार यहाँ पे जब भी आते हैं, माँ को याद करना नहीं भूलते, यहाँ पे मत्था टेकना नहीं भूलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, मनोज जी हैं और जब भी धोनी आते हैं इनके पास ज़रूर आते हैं और इनसे ही वो पूजा भी करवाते हैं। मनोज जी, जिस तरह से माँ में श्रद्धा है, आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत भी हो गई है, अगर देवड़ी माता के मंदिर की बात करें तो कब से ये इनकी शुरुआत हुई और कब से लोग माँ के दर्शन के लिए आने लगे? देखिए, देवी तो बहुत ही प्राचीन है और मैंने अनेक से जगह आपको देखने को मिलेगी कि अष्टभुजी दसभुजी माता की प्रतिमा स्थापित है, लेकिन यह जो प्राचीन देवी है ये सोलह भुजाओं से माँ यहाँ पर विराजमान है। माँ की शक्ति अपरंपार है, माँ के शक्ति के बिना, उनके आशीर्वाद के बिना एक पेड़ का पत्ता भी नहीं हिल सकता, इतने माँ के ऊपर आशीर्वाद है। और यहाँ पर जो भी भक्तगण दूर दराज से, देश विदेश से, राजस्तरीय रेतागण सभी माँ के दरबार में अपने मन्नतें लेकर माँ के दरबार में पूजा करने के लिए आते हैं और माँ भगवती उनकी अक्सर मनोकामनाएं पूरी करती है। नवरात्र का शारदीय महीना चल रहा है पंडित जी, तो ऐसा माना जाता है कि नवरात्र में तो माँ खुद ही विराजमान होती हैं। माता के पास मनोकामना लेके हर लोग आते हैं और ऐसा माना जाता है कि माँ के दर्शन भर कर लेने से उनकी सारी मनोकामना। जी, एकदम सही बात है। यहाँ पर माँ दुर्गा सोलह भुजी जी का दर्शन करने के बाद आदमी की हर मनोकामनाएं पूरी होती है, हर कष्ट दूर होती है। जो भी लोग अपने श्रद्धा से माँ के दरबार में इस दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर माँ के दरबार में अपनी आस्था लेकर आती है, माँ उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। देवड़ी मंदिर की अगर पूजा विधि विधान की बात करें, क्योंकि सब अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं, तो माँ देवड़ी की पूजा अर्चना किस तरह से की जाती है? देखिए, यहाँ पर तो माँ देवी खुद स्थापित है और जिस तरह दुर्गा पूजा में विधि विधान से पूजा होती आती है नवरात्र के दिन, उसी तरह यहाँ पर भी आज से जो नवरात्र आरंभ हुई उसी प्रकार से यहाँ पर विधि विधान से पूजा अर्चना होती है। और खास करके यहाँ पर अष्टमी महानवमी को लाखों लाखों की संख्या में भीड़ होती है, बहुत दूर दराज से श्रद्धालु अपनी आस्था लेकर माँ के ज्योति भी प्रज्वलित की गई है जो 9 दिनों तक किसी तरह जलती रहेगी। माँ में जिस तरह से आस्था है, लोग अपने घरों में भी कलश की स्थापना करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन अगर हम माँ देवड़ी की बात करें तो यहाँ सिर्फ माँ देवड़ी के स्मरण भर से उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। लोग एक बार माता के दर्शन करने के लिए जरूर पहुँचते हैं, तो आप जितने भी अजय भारत के तमाम दर्शक हैं उनसे भी मैं गुजारिश करूँगी कि अगर वो कभी रांची आएँ या फिर जमशेदपुर आएँ तो माँ देवड़ी के दर्शन करना ना भूलें। और इसके बाद हम सीधे आपको मंदिर के प्रांगण में लेके चलते हैं। ये वो स्थान था जहाँ पे माता रानी की प्रतिमा स्थापित की गई थी और यहाँ पे पूजा की शुरुआत हुई। अब मेन मंदिर तक हम आपको लेके चलेंगे और वहाँ पे दिखाएंगे कि किस तरह से पूजा की शुरुआत हुई है, किस तरह से लोग यहाँ पे विराजमान हैं। यहाँ से निकलते हुए जो मेन मंदिर की स्थापना है वहाँ तक हम चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि जो शारदीय नवरात्र है उसमें लोग कितने उत्साह, कितनी उमंग से माता रानी के दर्शन के लिए माता के दरबार पहुँच रहे हैं। मांदर की थाप से गुंजायमान है पूरा देवड़ी मंदिर, पूरा बुंडो इलाका, और
जैसे ही मांदर की थाप बजती है लोगों के पांव खुद ही थिरकने लगते हैं। माता की आरती, पूरा भक्तिमय माहौल, ऐसा लगता है मानो खुद ही माँ यहाँ पे विराजमान हो गई हूँ। और ऐसा माना ही जाता है कि देवड़ी माँ में जो लोगों की आस्था है, माँ अगर एक बार सिर्फ लोगों के सर पे अगर माँ का आशीर्वाद हो तो उनका कोई भी बाल भी माँ का नहीं कर सकता। अब हम सबसे पहले यहाँ पे पारंपरिक इस मांदर की थाप की बात करते हैं। जैसे ही मांदर की थाप, मांदर की धुन सुनाई देती है, ऐसा लगता है जैसे माँ खुद यहाँ पे विराजमान हो गई। और इसके बाद अब हम आपको सीधे मंदिर प्रांगण दिखाते हैं जो 20वीं सदी से ही यहाँ विराजमान है। और आज शारदीय नवरात्र का पहला दिन है, ऐसे में श्रद्धालुओं का सुबह से ही तांता लगा हुआ है। आरती के बाद से पूजा की शुरुआत हो गई है, लोग माता रानी के दर्शन करना नहीं भूल रहे हैं। यहाँ पे ये जो देवड़ी मंदिर है, रांची के राजकुमार धोनी जब भी झारखंड आते हैं, जब भी रांची आते हैं, वो यहाँ आना नहीं भूलते। माँ में उनकी आस्था अपरंपार है, ऐसा माना जाता है। धोनी जब यहाँ पे पूजा अर्चना करते थे, वो हमेशा दुआएं मांगा करते थे। उनका कहना था कि जो भी हैं आज, वो जो कुछ भी हैं, वो माँ के कारण ही हैं। और ये मेन जो मंदिर है, माता देवड़ी का जो प्रांगण है, वहाँ हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से माता रानी की पूजा अर्चना की जा रही है। ये माता रानी का मंदिर है जो सदियों से पुरानी है, और यहाँ पे पूजा तमाम अजय भारत के दर्शकों को घर बैठे हमने माता देवरी के दर्शन कराने की कोशिश की है। अगर आप झारखंड आते हैं, अगर आप रांची आते हैं, तो एक बार माँ देवरी के दर्शन करना ना भूलें, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। अजय भारत के समस्त परिवार की ओर से आप तमाम दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। कैमरा पर्सन शशि प्रताप के साथ मैं प्रियंका मिश्रा, एबी न्यूज देवड़ी।